मैन इन ब्लैक, यूएफओज और एलियंस के बाद ये ही लोग हैं जो दुनिया में अब तक सबसे रहस्यमय माने जाते हैं। दुनिया में जहाँ पर भी एलियंस या फिर यूएफओज के देखे जाने की घटनाएं होती है, इन लोगों को वहाँ पर देखा गया है। इस ग्रुप के सिर्फ दो ही प्रकार के लोगों से मिलने की घटनाएं अब तक सामने आई है, एक वो जिन्होंने यूएफओ को देखा हो और दूसरे वो जो यूएफओ के बारे में रिसर्च कर रहे हो। मगर आज तक जितने भी लोगों का सामना इस रहस्यमय ग्रुप से हुआ है, उनका यह कहना है कि इन लोगों को इनके हर सवाल का जवाब हाँ में चाहिए होता है। इनके चेहरे पर कोई भी मानवीय हाव भाव नहीं होते और उनकी आवाज़ भी किसी मशीन की तरह सुनाई पड़ती है और उनकी आंखें भी किसी साधारण इंसान की आंखों से बड़ी होती है। ये लोग हमेशा दो या तीन के ग्रुप में आते हैं और ये काले रंग का सूट, काले रंग की हैट और तो और काले रंग के जूते पहनते हैं। कहने का मतलब ये कि ये लोग ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से काले रंग से ढके हुए होते हैं, तभी तो इन्हें मैन इन ब्लैक कहा जाता है। मगर जो भी हो, जितने भी लोगों का सामना इस ग्रुप से हुआ है, उन सब लोगों को इस ग्रुप ने एक बात कही है कि बाहर इसके यानी कि यूएफओ के या फिर एलियंस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ताज्जुब वाली बात यह है कि इस ग्रुप को यूएफओ साइटिंग्स के बारे में कैसे पता लगता है, ये कोई भी नहीं जानता। और आखिरकार इस ग्रुप को कौन चलाता है, क्या इसके पीछे यूएस गवर्नमेंट है या फिर कोई एलियंस का संगठन, ये भी एक रहस्य ही बना हुआ है। इस ग्रुप के बारे में पहली बार आम लोगों को हॉलीवुड की मूवी मैन इन ब्लैक से पता चला, जिसमें वो लोग एलियंस के साथ मिलके एलियंस से लड़ते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मैन इन ब्लैक के रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आपका भी ऐसी घटनाओं पर विश्वास हो जाए। तो चलिए शुरू करते हमारा आज का वीडियो। नंबर एक, हैरोल्ड दहाल। तारीख 27 जून 1947, जगह प्यूगेट साउंड, वॉशिंगटन स्टेट, यूएसए। हैरोल्ड दहाल जो कि एक कंजर्वेशन मिशन पर थे, वो अपने बेटे चार्ल्स और पालतू डॉग के साथ अपनी बोट पर मौरी आइलैंड के पूर्वीय तट के पास नेचर के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। तभी उन्हें आसमान में लगभग आधा मील ऊपर 6 गोलाकार पिंड उड़ते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक पिंड लगभग 1500 फीट ऊपर से ज़मीन पर क्रैश हो गया। तब उसके मलबे से दहाल का बेटा चार्ल्स चोटिल हो गया और उसका डॉग और उसके डॉग की वहीं पर मौत हो गई। तब हैरोल्ड दहाल ने उस मलबे की अपने कैमरा से कुछ तस्वीरें ली और उन्हें अपने सुपरवाइज़र फ्रेड क्रिसमन को दिखाया। तब क्रिसमन ने क्रैश वाली जगह पर जाके पुष्टि की तो वहाँ का नज़ारा देख के वो चौंक गए। उन्होंने अपनी आंखों से एक गोलाकार पिंड वहाँ पर क्रैश हुआ देखा। इस घटना के कुछ दिनों बाद ब्लैक सूट, ब्लैक हैट, ब्लैक शूज पहना हुआ एक आदमी दहाल के दरवाजे पर मौरी आइलैंड इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अचानक दस्तक देता है। वो आदमी अपनी कोई भी आइडेंटिटी दिखाए बगैर दहाल से पूछताछ करने लगता है। वो आदमी दहाल को मौरी आइलैंड इंसिडेंट के बारे में पूरी तरह से खुद से बता देता है और उसके बाद वो उसे कहता है उसे ये सब नहीं देखना चाहिए था। अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए वो ये सब बातें आगे किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद दहाल जब घर जाते हैं तब उनका बेटा घर से गायब हो चुका होता है और ठीक 5 दिन बाद उनका बेटा चार्ल्स मिसोला मोंटाना स्टेट से, जो कि वहाँ से लगभग 500 मील दूर है, वहाँ से कॉल करता है। और इस इंसिडेंट के होने के बाद आगे अपनी मृत्यु तक यानी कि साल 1982 तक हैरोल्ड दहाल अपना घर छोड़कर टकोमा रहने चले जाते हैं। नंबर दो, रॉबर्ट रिचर्डसन। जुलाई 1967, अमेरिका के ओहायो राज्य के टोलेडो शहर में रॉबर्ट रिचर्डसन को रात की ड्राइव करते समय उनकी गाड़ी को एक यूएफओ ने टक्कर मारी, जो कि आकार में गोल था। पर उनकी गाड़ी को टकराते ही वो यूएफओ बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उन्होंने इस घटना की जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दी, लेकिन जब पुलिस घटना की जगह पर पहुंची, तो तब वहां पर उन्हें सिर्फ रॉबर्ट रिचर्डसन के गाड़ी के निशान मिले। बाद में रिचर्डसन को गाड़ी के टक्कर हुए एरिया में एक मेटल का टुकड़ा मिला, जो कि किसी भी तरह से इस धरती का नहीं लग रहा था। तब उन्होंने
इस बात की जानकारी APRO यानी कि एरियल फेनोमेनन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दी, जो कि इस टुकड़े की जांच करने वाले थे। बाद में इस घटना के ठीक 3 दिन बाद दो ब्लैक सूट पहने हुए आदमी, जिनकी आईब्रोज नहीं थी और जिनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो रात के ठीक 11 बजे रॉबर्ट रिचर्डसन के घर उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ करने आते हैं। पहले तो वो रिचर्डसन को यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं, लेकिन ठीक थोड़ी देर बाद वो दो आदमी उनसे सीधे उस मेटल के टुकड़े के बारे में पूछते हैं। उनका यह सवाल पूछते ही रॉबर्ट रिचर्डसन दहशत में आ जाते हैं, और जब उन्होंने उस टुकड़े को एनालिसिस के लिए भेज दिया ऐसा कहा, तब उन लोगों ने उन्हें धमका कर कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी सुंदर ही रहे तो उस टुकड़े को वापस लाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन लोगों को इस मेटल के टुकड़े के बारे में कैसे पता चला, जबकि उसकी जानकारी सिर्फ रिचर्डसन, उनकी बीवी और APRO के दो सीनियर मेंबर्स को ही थी। नंबर 3, जैक रॉबिन्सन, 1968, न्यू जर्सी। जैक रॉबिन्सन जो कि एक UFO रिसर्चर थे और उनकी बीवी, उन्होंने नोटिस किया कि उनके घर के सामने वाले रास्ते पर एक आदमी पिछले 3 दिनों से उनके घर की निगरानी कर रहा है। उन्होंने बताया कि उस आदमी ने ब्लैक सूट, ब्लैक हैट और ब्लैक जूते पहने हुए थे, जो कि बड़ी ही अजीब नज़रिए से उनके घर की तरफ देख रहा था। तब जैक रॉबिन्सन ने अपने फ्रेंड टिमोथी ग्रीन बेकले को उस आदमी की फ़ोटो खींचने के लिए कहा। अब आप स्क्रीन पर जो फ़ोटो देख रहे हो वो उस आदमी की ली गई रियल फ़ोटो है, हालांकि ये फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट होने के कारण हम इस आदमी के सूट का रंग तो नहीं बता सकते, पर रिचर्डसन और उनकी बीवी के मुताबिक उसके सूट का कलर ब्लैक ही था। अगर ऐसा है तो ये फ़ोटो MIB के असली में होने का एक ठोस सबूत बन सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नंबर 4, हर्बर्ट हॉपकिंस, सितंबर 1976, मेन, USA। अगला इंसिडेंट में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो और भी अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रात के समय डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस, जो कि एक UFO इन्वेस्टिगेटर थे, वो एक UFO इंसिडेंट को स्टडी कर रहे थे। तभी अचानक उनके फ़ोन की घंटी बजती है। तब फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से वो आदमी खुद को न्यू जर्सी UFO ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव बताता है। वो डॉक्टर हॉपकिंस को अपने रिसर्च को रिव्यू करने की बात छेड़कर वो घर पर अकेले है या नहीं ये पूछकर उनसे मिलने की बात कहता है। उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर हॉपकिंस उस आदमी से अपने घर पर मिलने को तैयार होते हैं, पर जैसे ही डॉक्टर हॉपकिंस फ़ोन को रखते हैं उसी वक्त कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है, और जैसे ही डॉक्टर हॉपकिंस दरवाज़ा खोलते हैं वो देखते हैं कि एक आदमी ब्लैक सूट, ब्लैक हैट, ब्लैक शूज़, जिसके चेहरे पर कोई भी बाल नहीं थे, कोई भी मानवीय हाव भाव नहीं थे और जिसकी आवाज़ बिल्कुल किसी मशीन की तरह आ रही थी, ऐसा एक आदमी उनके दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन फिर भी डॉक्टर हॉपकिंस उसे अपने घर के अंदर लेते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वो आदमी हॉपकिंस के हाथ में एक सिक्का देकर उसको देखने को कहता है। हॉपकिंस बताते हैं कि उसके बाद वो सिक्का सिल्वर कलर में बदल गया था, और फिर उसके बाद वो सिक्का सिल्वर से ब्लूइश कलर में तब्दील हुआ था, और उसके बाद वो सिक्का अचानक गायब हो गया था। इस सब इंसिडेंट के बाद उस आदमी ने हॉपकिंस को UFO से रिलेटेड उनके सारे जितने भी रिसर्च और एविडेंस है वो सारे मिटाने को कहता है। नंबर 5, शेन सोवर, 14th of October, 2008, नायग्रा फॉल्स। दोस्तों, ये इंसिडेंट आज तक का मैन इन ब्लैक के देखे जाने का एक पुख्ता एविडेंस है, जो एलियंस, UFO और MIB के रहस्य को और उजागर करता है। रात के ठीक 7:30 बजे नायग्रा फॉल्स के नज़दीक के एक होटल के मैनेजर, जिनका नाम शेन सोवर, और होटल के सिक्योरिटी गार्ड, इन दोनों ने नदी के ऊपर एक UFO उड़ता हुआ देखा। सोवर के मुताबिक वो UFO नदी से 50 से 70 फीट ऊपर स्थिर था और वो धीरे धीरे होटल की तरफ आ रहा था। सोवर ने उस UFO के बारे में बताते हुए कहा कि वो UFO बड़ा सा काले रंग का ट्रायंगुलर शेप का UFO था, जिसके नीचे से लाल रंग की बहुत ही तेज़ रोशनी निकल रही थी। सोवर के मुताबिक रात के उस वक्त होटल के आसपास ना के बराबर ट्रैफिक होती है, पर फिर भी इतने शांत माहौल में भी उस UFO से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी।
शेन सोवर से पहले भी कई लोगों ने नायग्रा फॉल्स के करीब इस तरह के यूएफओ के देखे जाने की बात कही थी। बाद में इस घटना के ठीक 2 हफ्ते बाद उस होटल में 2 लोग आते हैं जो ब्लैक सूट पहने हुए थे। उनकी आईब्रोज नहीं थी, चेहरे पर कोई मानवीय एक्सप्रेशंस भी नहीं थे और उनकी आवाज़ मशीन की तरह आ रही थी। उन्हें देखने से वो किसी साधारण इंसान की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो होटल के स्टाफ से होटल मैनेजर और उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बहुत ही रूखी भाषा में पूछताछ करते हैं, पर उस दिन वो दोनों ही काम पर नहीं थे। वहाँ के होटल स्टाफ के मुताबिक उन लोगों से बात करते समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग उनके मन की सारी बातें पहले ही जानते हो। उस इंसिडेंट के अगले दिन होटल मैनेजर सोवर ने जब होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें कैमरा ने उन लोगों को कैद कर लिया था। आप अभी जो वीडियो देखने वाले हो वो उस दिन की रियल वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने भी इंसिडेंट बताए हैं उन सब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन रहस्यमय लोगों को उन इंसिडेंट्स के बारे में सबसे पहले कैसे मालूम हो जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों इन सब के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसी घटनाएँ जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि एलियंस, UFO और MIB ये सब असली दुनिया में एग्जिस्ट करते होंगे, या फिर ये लोग गवर्नमेंट की किसी ऐसी एजेंसी के लिए काम करते हो जिसे आज तक कोई भी नहीं जानता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि MIB जैसा कोई संगठन सही में एग्जिस्ट करता हो और उसे कोई एलियन सिविलाइजेशन चलाती हो जिससे हमारी गवर्नमेंट भी अनजान हो। तो आपको क्या लगता है MIB, एलियंस और UFOs के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।